नाम ऐसा है कि मुंह में मिश्री सी घोल देता है, और अगर वृंदावन में आकर राधे नाम की मिश्री का रसा स्वादन नहीं किया तो वृंदावन में आकर क्या किया। ब्रज की रज में लोटपोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना ये सोचे कि मैंने क्या पहन रखा है, बिना ये सोचे कि मैं कौन हूं, और बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, एक बार तो ब्रज में साष्टांग प्रणाम कर देना चाहिए, ब्रज की धूल को अपने सर पे लगा लेना चाहिए। हमारे इस ब्रज की महिमा जितनी बखान की जाए उतना ही कम लगता है। ब्रज रज को नित्य अपने मस्तिष्क पर टीके की तरह लगाने वाले लोग कभी नरक के द्वार की तरफ नहीं जाते। नरक से छुटकारा हो जाता है, यमराज से हमेशा हमेशा के लिए कहें तो शत्रुता हो जाती है, उससे कभी मिलना नहीं होता। जो ब्रज रज को टीके की तरह नित्य अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, बोलो राधे 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 राधे। इतना महत्व है ब्रज की रज का। तो आइए, धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन आवनो, धन श्री वृंदावन धाम। यहां आना धन्य है उन लोगों के लिए जो लोग यहां ब्रज में आते हैं। अरे भैया, या यूं कह लो कि यहां वही आमे जिन्हें राधा रानी बांह पकड़ के बुला ले, बोलो राधे 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 राधे। हमारे ब्रज के अनेक संत, अनेक विद्वान, अनेक कथा कहने वाले प्रवक्ता इस बात की बार बार पुष्टि करते हैं कि वृंदावन में तब तक व्यक्ति नहीं आ सके जब तक राधा रानी वाकी उंगली पकड़ के वाकू ब्रज की ओर न लेके आ जाए, बोलो राधे राधे राधे। काफी लोग आते हैं चले जाते हैं, और काफी लोग आते हैं तो ठहर जाते हैं। तो आइए, श्री राधा रानी की कृपा जब तक न हो तब तक ब्रज में आना असंभव है। अभी काफी हमें विजय जी ने बताया कि ठाकुर जी ब्रज भाषा में कथा कहिए, काफी लोग कह रहे हैं। भाई देखिए, ब्रज भाषा बोलने में कोई परेशानी ना है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। कौन सी भाषा है? मातृभाषा है। ब्रज में पैदा भए हैं तो ब्रज भाषा को तो बस आनंद ही आनंद है। एक बेर बोलवे लग जाए तो पीछे रुकवे को मन नहीं करे। लेकिन कछु लोग ऐसे हैं जो ब्रज भाषा समझ नहीं पावे। अच्छी तो लगे, कहें तो सही है कि ब्रज भाषा बड़ी मीठी लग रही है, लेकिन कछु लोग समझ नहीं पावे। और वैसे भी जो हिंदी है ये हमारी मौसी है। कौन है? मौसी है कि नहीं? भाई संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, तो ब्रज भाषा हमारी मातृभाषा है, अर्थात हमारी मां है। तो हिंदी कौन सी हो, क्या हो गई बताइए जरा, क्या हुई? टेल मी, बोलिए। तो मासी प्यारी लगती है कि नहीं? लेकिन लगती वही प्यारी है जो खावे पीवे को दो चार टॉपी वोपी दे जाओ कर, ये ले, बोलो राधे 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 राधे। तो कथा अधिकांश हिंदी में होती है, लेकिन जो ब्रज के प्रसंग है आपको विश्वास दिलाते हैं, कल कृष्ण जन्म महोत्सव है तो कल के बाद जितना ज्यादा हो सकेगा ब्रज भाषा में कथा आपको सुनाएंगे और ब्रज के आनंद से आपको अवगत कराएंगे, बोलो राधे 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 राधे। अभी हिंदी का ही थोड़ा सा चलेगा क्योंकि अभी भागवत कथा के कुछ अद्भुत प्रसंग है। सर्वेश्वर युगल सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कथा प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधे 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 राधे।
जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जिन्होंने उसकी तलाश की है उसको मिला है। यूं तो दुनिया में बहुत लोग हैं झूठ बोलने वाले, तलाश जारी है लेकिन मिला नहीं। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें अपनी जान उससे ज्यादा प्यारी लगेगी। जिस दिन तुमको अपनी जान से भी ज्यादा वो प्यारा लगने लग जाएगा, उस दिन वो तुम्हें मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। खैर, हमारा सौभाग्य, आप सबका भी सौभाग्य, जो श्रीधाम वृंदावन में आकर श्रीमद भागवत कथा का रसपान हम और आप सभी कर रहे हैं। कल प्रसंग सती अनुसुईया जी तक गया, उसके बाद में प्रसंग आता है सती चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, यहां पर मैं अल्प में इस प्रसंग को कहूंगा, बहुत अच्छी बात है। इस प्रसंग से एक बात स्पष्ट होती है, जो राम की सेवा करना जानता है, जो राम के प्रति समर्पित है या प्रभु के प्रति समर्पित है, वो वंदनीय है। जैसे कि सती, बाबा भोलेनाथ वंदनीय है, लेकिन सती जो है, मैंने कल कहा था, भक्ति योग, श्रद्धा, रुचि और विश्वास, जब तीनों मिले तो भक्ति योग बनता है। लेकिन सती ने कथा सुनी है प्रभु की, लेकिन न तो कथा सुनने में रुचि थी और न बाद में विश्वास जागृत हुआ। जब तक कथा रुचि से न सुने, तब तक जिसकी कथा सुन रहे हैं उसमें विश्वास जागृत नहीं होगा। काफी लोग कहते हैं, महाराज आपकी टीवी पे कथा आ रही थी, हम सुन रहे थे, लेकिन बीच में वो प्रसंग छूट गया। इसका मतलब सीधा सा है कि तुम्हारी रुचि कथा सुनने में नहीं थी। अगर कथा सुनने में रुचि होती तो टीवी के आगे से हिलते ही नहीं, या फिर कहो टीवी की जरूरत ही नहीं, सीधे पंडाल में आकर बैठ जाते। बोलो राधे राधे। राधे राधे, राधे। अगर विश्वास होता या श्रद्धा होती या रुचि होती। सती अभी अभी प्रभु कथा सुनकर आ रही हैं, राम कथा सुनकर आ रही हैं, लेकिन जब राम जी को देखकर बाबा भोलेनाथ ने प्रणाम किया तो सती के मन में संदेह हुआ। संसार बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करता है, लेकिन इन्होंने किसको प्रणाम कर दिया? संदेह। और जहां संदेह है वहां विश्वास नहीं है, जहां विश्वास है वहां संदेह नहीं, और जहां संदेह है वहां विश्वास। सती को विश्वास नहीं, बाबा ने बहुत समझाया, ये वही प्रभु जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं, नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो बाबा ने कह दिया, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा लो। और ये बात समझ में आ गई, परीक्षा वाली बात समझ में आ गई, तुरंत चल दी। हम लोग भी ऐसे ही, कोई अच्छी बात बार बार कहता है समझ नहीं आती, बल्कि जो अच्छी बात कहता है उसकी हंसी करके चले जाते हैं, उसका मजाक करके चले जाते हैं, ऐवें ही करता रहता है। या हमारे ब्रज में कहें, ये तो ऐसा ही कहते, रे यार यहाँ पे और कोई काम ना है, ये और कुछ कह भी ना सके, जब देखो ऐसी मार तो रे, जन कहा कहें तो रे, ब्रजभाषा में बोलेगा। लेकिन अच्छी बात को समझने वाले लोग कम है, बुरी बात को समझने वाले बहुत ज्यादा है, या कहूं कि बुरी बात जल्दी समझ में आ जाती है, नहीं?
अगर कोई कह दे कि दो नंबर से तुम इतनी जल्दी पैसे वाले बन जाओगे, ये काम कर दो, बाबूजी मुझे भी बताओ ना कैसे बनाया उसको। आजकल देखो टीवी पे बड़े बड़े जो है एड आते हैं, एक घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी। अरे भैया भगवान से हमें मिला दे, जितना चाहिए ले ले। टीवी पे एड देखा है कि नहीं, पेपरों में एड देखा है, मनोकामना की पूर्ति करा देंगे एक घंटे में, सिर्फ एक घंटे में। कमाल की बात है। तो जब तुम एक घंटे में सबकी मनोकामना पूरी कर सकते हो, तो अपनी मनोकामना क्यों नहीं पूरी करी, फिर ये धंधा खोल के क्यों बैठ गए? सबसे पहले अपनी मनोकामना पूरी करो, इतना धन इकट्ठा कर लो कि तुम्हें ये काम करने की जरूरत ना हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब आप कहेंगे, वो लोग कह सकते कि हम तो इस काम को इसलिए करते लोगों की सेवा के लिए, तो जब लोगों की सेवा है तो फीस क्यों, एंट्री फीस इतनी? दो नंबर से हम कुछ भी एक सेकंड में करना चाहते हैं, लेकिन सीधा सीधा कोई रास्ता बताए गुरु, सदगुरु हमें सीधा रास्ता बताए, इस रास्ते पर चले जाओ तुम्हें गोविंद की प्राप्ति होगी। तो क्या हम जाना चाहते हैं? सिर्फ माला घुमाते रहते हैं। गुरुजी ने कहा माला करना, करते रहे, लेकिन सिर्फ माला घुमाने का ही मतलब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है, समर्पित होना गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जब तक ये भावनाएं, तब तक गोविंद से मिलना बड़ा असंभव है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सती ने कथा तो जरूर सुनी है, लेकिन सती के मन में विश्वास नहीं है, और जब तक विश्वास ना हो तब तक प्रभु से मिलना संभव नहीं है। बाबा भोलेनाथ सोच रहे हैं, यहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण, वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावै साख, अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख दामा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बड़ों की बात मानो मानो मानो, जो माने वो शान से जीता है, और जो न माने उसके लिए तो जीना न जीना बराबर है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जीवित सब समान सो प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं। जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी मरे के समान है। बोले ना, तो बाबा की बात समझ में नहीं आई और परीक्षा लेने गई, और परीक्षा लेकर बाद में पछताई, और उसका एक परिणाम ये भी हुआ कि सती को अपना शरीर अग्नि कुंड में जलाना पड़ा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए मेरा निवेदन है, सती चरित्र मैंने बड़ा इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप सभी रामायण के बहुत प्रेमी लोग हैं और सभी विद्वान हैं, तो आप सबके आगे मैं क्या कहूँ, क्योंकि हमें भागवत के प्रसंग भी पूरे करने हैं।